साइड में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये घंटा घर है पूरा, ये पूरा साइड में जैसे कि देख पा रहे हैं आप नीचे साइड में वो छोटा इमाम बाड़ा है और बड़ा इमाम बाड़ा भी है इस साइड में। जैसे कि देख पा रहे हैं अभी हम इमाम बाड़ा के दूसरे गेट के अंदर आ गए हैं और पीछे साइड में आप देख रहे हैं ये हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। अभी हम बैठे हैं सिटी बस में और अभी टाइम जो हो रहा है वो 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज गए हैं। तो हम यहाँ से अभी पॉलिटेक्निक पे हैं और पॉलिटेक्निक से यहाँ से जाएंगे बड़ा इमाम बाड़ा। इसका जो किराया है 3200 रुपये है, ठीक है, बालाजी तक। और बालाजी से फिर हम एक ऑटो पकड़ेंगे तब वहाँ बड़ा इमाम बाड़ा तक पहुँचेंगे। तो आपको सारा चीज़ दिखाएंगे, बड़ा इमाम बाड़ा किस तरीके का बना हुआ है, कैसा क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ बाहर के बाहर और अंदर सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा आप और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप सारी चीज़ें देख पाएँ और आपको भी लगे कि अच्छा लगे तो आप भी कभी विज़िट करने आइएगा यहाँ पर। तो अब वीडियो को हम नहीं कंटिन्यू करेंगे बड़ा इमाम बाड़ा पहुँच के, तब तक लिए आप को वेट करना पड़ेगा। दोस्तों अभी बड़ा इमाम बाड़ा के पास में हैं और जो बड़ा इमाम बाड़ा है, ठीक है, इसके पास में ही घंटाघर है और इधर पूरा साइड के पूरा साइड में जो है छोटा इमाम बाड़ा है, ठीक है। ये पूरा जो है पूरे नक्शे के हिसाब से बना हुआ है, तो आपको पूरा चीज़ दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो फिलहाल अभी तो हम घंटाघर के पास हैं, आपको घंटाघर दिखाते हैं। ये देखिए पूरा घंटाघर है, साइड में देखिए ये छोटा इमाम बाड़ा है और इस साइड में है बड़ा इमाम बाड़ा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इमाम बाड़ा के पास और अभी हम गेट पे हैं इमाम बाड़ा। तो आपको अभी गेट दिखाते हैं इमाम बाड़ा का, काफ़ी बड़ा है बना हुआ, तो आपको दिखाते हैं अभी गेट। ये देखिए इस साइड में है पूरा गेट बना हुआ है इमाम बाड़ा का, तो सब बड़ा इमाम बाड़ा है और यहाँ से एंट्री होगी अभी अंदर के लिए। तो फाइनली हम आ गए हैं इमाम बाड़ा के अंदर गेट से, देखिए पीछे है इस साइड में है गेट। अभी हम यहाँ से अंदर की ओर जा रहे हैं इमाम बाड़ा की ओर, अंदर अंदर का व्यू दिखाएंगे पूरा इमाम बाड़ा कैसा है बना हुआ। तो वीडियो आप में बने रहिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइएगा कौन सा प्लेस आपको सही लगा यहाँ इमाम बाड़ा के अंदर का। फाइनली हम अंदर आ गए हैं इमाम बाड़ा के अंदर और आपको अभी अंदर की सारी चीज़ें दिखाएंगे इमाम बाड़ा के अंदर। तो पहले आपको दिखाते हैं पूरा नक्शा इमाम बाड़ा का और फिर ये इमाम बाड़ा का पूरा नक्शा है। इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको इस नक्शे में दी हुई हैं। ये जामा मस्जिद है इस साइड में नक्शे में दिया गया है और ये इस साइड में छोटा इमाम बाड़ा है और सतखंडा है, ये हुसैनाबाद बारादरी, और ये घंटाघर का नक्शा दिया गया पूरा और इस साइड में दिया हुसैनाबाद हेरिटेज ब्लॉक, ये गोमती नदी, ये रूमी दरवाज़ा, ये बड़ा इमाम बाड़ा है, ये पक्का पुल है,
और टीले वाली मस्जिद। दोस्तों थोड़ी आपको जानकारी देना चाहेंगे, सारा आपको नक्शा दिखा दिया अभी आपको, और इस नक्शे के माध्यम से आप सारा इमामबाड़ा और जामा मस्जिद, छोटा इमामबाड़ा, सतखंडा, घंटाघर, सैना, हेरिटेज ब्लॉक और टीले वाली मस्जिद, ये सारी चीज़ें आप घूम सकते हैं। इस इमामबाड़ा का पूरे नक्शे में दिया गया है, सारी जानकारी दी गई है। और इस बात करें बड़ा इमामबाड़ा जो बनवाया गया था 1784 ईस्वी में नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा, और जो इसमें टीले वाली मस्जिद है वो मस्जिद बनवाई गई थी 1674 ईस्वी में शाह पीर मोहम्मद के द्वारा। तो अभी हम चलते हैं इमामबाड़ा के अंदर और सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको इमामबाड़ा के अंदर की। तो हम इमामबाड़ा के दूसरे वाले गेट के अंदर आ गए हैं और आपको अभी दिखाते हैं दूसरा वाला गेट किस तरीके का बना हुआ है। तो अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, ये गेट था जिससे हम अभी अंदर के लिए आए थे, सेकंड गेट है ये इमामबाड़ा का। और इस साइड से अब जाएंगे अंदर के लिए तीसरे गेट के अंदर, यहाँ से फिर अंदर का व्यू दिखाएंगे आपको। तो काफ़ी अच्छा है बना हुआ, जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ पर बहुत ही पुराने टाइम में बना हुआ है ये। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था ये 1784 में बनवाया गया था। और अब हम चलते हैं बड़ा इमामबाड़ा, पूरे अंदर का व्यू दिखाएंगे सारा कुछ। तो अब फाइनली हम पहुंच गए हैं मेन गेट पे, यानी इमामबाड़ा का जो सबसे मेन गेट है उसके अंदर। अब अंदर जाएंगे फिर आपको अंदर की सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ से व्यू।
ये आपको पूरा इमामबाड़ा दिखा दिया, ये पीछे का सारा इमामबाड़ा है और अंदर अंदर जा भी सकते हैं, पर मैं नहीं गया अंदर क्योंकि अंदर जो है मुझे सही नहीं लगा जाना, तो इसलिए मैं नहीं गया। आप आए तो आप जा सकते हैं इमामबाड़ा के अंदर, मैं हूँ और काफ़ी अच्छा है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ से देखिए पूरा आपको व्यू दिखाते हैं इमामबाड़ा के अंदर। इस साइड में ये है ये देखिए इमामबाड़ा के अंदर का ग्राउंड, काफ़ी साफ सफाई है ग्राउंड में, छोटा सा पार्क है ये। तो दोस्तों आपको कैसा लगा इमामबाड़ा? ठीक था, मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वीडियो में? आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ भी दो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और जो नीचे रेड कलर का बेल आइकन होता है और सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दीजिएगा जिससे हमें भी वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता रहे। और काफ़ी घूम लिया इमामबाड़ा के अंदर, तो अब हम ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं नए ब्लॉग में आपको। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।